ये काले बादल कहाँ से आ गए? अरे गैसोलीन नहीं हो सकता, लंका से अयोध्या तक के सफर में काले बादल ना हो ऐसा कैसे हो सकता है शास्त्री जी? अरे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है। पीला ईंधन का रंग, नाम नहीं। तू ज्यादा जानता है। इतना जानता हूँ कि वेदों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रहे हैं हम। प्राचीन पुरानी सी किताबें, उनको लेकर चले हवाई जहाज बनाने। जुग सहस्र जोजन पर भानु, लिलियो तही मधुर फल जानू। मंझे जुग 12,000 साल, सहस्र 1,000, योजन 8 मील। और भानु? हाँ माईताए सूर्य। अब तीनों को गुना कर, युग सहस्र जोजन क्या हुआ? 9,60,000 मील। धरती से सूरज तक का फासला, और ये सब हनुमान चालीसा जैसी प्राचीन किताब में दर्ज है। काय शास्त्री जी, ऐसी बातों पे ना बच्चे तो चल सकते हैं, लेकिन हवाई जहाज नहीं उड़ते। ए, हाँ। तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है ना? नहीं, भरोसा क्या कर लो, तो जा यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। अरे जा रहे। बड़ा आया सिखाने वाला। आ गया, 4.5 घंटे में ही वापस आ गया। पिछली बार 6 घंटे लगाए थे। मुझे गुस्सा मत दिलाइए, मैं फिर से चला जाऊंगा। तो जा। हा? किसने रोका है? जा, अभी जा, अभी जा। मैं क्यों? आप जाओ ना। अरे मेरा खाना मैं भी जाऊंगा। मैं क्यों? मैं अरे तुम अरे एक भाई, आपने बताया नहीं। क्या बताता? कि बड़ौदा के महाराज ने हमारी अर्जी नामंजूर कर दी। शिवी, ऐसा लगता है कि हमारा नसीब कहीं तफरी करने चला गया है। शास्त्री जी, हाथों की लकीरों को इतनी अहमियत नहीं दिया करते। नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। बेवकूफ दिखते नहीं हो, पर हो, आदमी उड़ेगा। फेरी टेल, असल जिंदगी में परी कहानियां सच नहीं होती। I'm sorry, मैं नहीं मानता आपके दावे को। भगवान राम को तो मानते हैं, पुष्पक विमान जिस पे उड़ के राम जी लंका से अयोध्या लौटे थे। आप मिथोलॉजी की बात कर रहे हैं, मिथ्या, झूठ। अफसोस योर हाइनेस, इन मनगढ़ंत बातों का विज्ञान से कोई वास्ता नहीं। पुराणों में तो हमने भी पढ़ा है कि दूर बैठे देव एक दूसरे से वार्तालाप कर सकते थे। ऐसा ही कुछ ग्राम बेल का टेलीफोन करता है आज। रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी, अब फोनोग्राम, टेलीग्राम, ये सब मनगढ़ंत कहानियां अब सच हो रही हैं, क्योंकि उनके पीछे के राज हम खोलते जा रहे हैं। अब यूं ही राज खुलते जाएंगे और झूठ सच में तब्दील होते रहेंगे। His Highness, हमने जो कुछ भी बनाया है, अगर काबिले तारीफ नहीं होता तो अंग्रेज बुरी तरह से हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? मतलब अंग्रेज जाहिल और आप लोग होशियार। हाँ? भाई आज तक हमने उनसे पहले कुछ बनाया है। आर्यभट्ट ने अंग्रेजों से पहले शून्य खोजा था, जीरो। ऋषि कणाथ ने अंग्रेजों से पहले कण खोजा था, एटम। और 5,000 साल पहले हीरे की खोज हिंदुस्तान में हुई थी, तब शायद अंग्रेज पैदा भी नहीं हुए थे। योर हाइनेस, क्या आप जानते हैं कि असल जिंदगी में परी कहानियां सच क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि हम बड़े होने की जल्दी में बच्चों की तरह सोचना ही छोड़ देते हैं। इंसान उड़ेगा, हवाई जहाज बनेगा, हम तो आपसे मदद चाहते हैं इस झूठ को सच में बदलने के लिए। और हाँ, हम बेवकूफ नहीं है, बस थोड़े से सनकी हैं। कितने पैसे चाहिए इन सनकियों को?